just making one film was the idea to at least, you know, get your dream accomplished. चार फिल्मों का तो नहीं सोचा था, एक का ज़रूर सोचा था, एक बनाएंगे मरने से पहले, एक फिल्म जो है वो बनानी है, उसके बाद फिर मर जाए, मसला नहीं है। डिजिटल गेम में आई थिंक द सिनेरियो चेंज फॉर ऑल द फिल्म मेकर्स इन द वर्ल्ड। हम लोग जो भी होते हैं अपनी सराउंडिंग्स की वजह से होते हैं, सो वी हैव ब्रॉट अप इन दिस एनवायरनमेंट वेयर हाफ द टाइम माई स्कूल वॉज स्टार्ट बिकॉज सम ना मालूम अफराद वॉज यू नो एंड समटाइम्स यू आर स्लीपिंग एट नाइट प्रेइंग के अच्छा सुबह स्ट्राइक कॉल हो जाए यार, यू नो आजकल पेपर है अल्लाह करे स्ट्राइक कॉल हो जाए, नो सो वो बच्चों की उस तरह की थिंकिंग होना इट्स वेरी यूनिक। सो आई विजिट माई कजन्स इन इस्लामाबाद समटाइम्स और सम कजन्स फ्रॉम अब्रॉड विल कम डाउन टू आर प्लेस एंड बी लाइक कल छुट्टी किस बात की है भाई। द मैथ वॉज वेरी डिफिकल्ट अगैन, यू नो 35 वॉज स्टिल देयर एंड डिजिटल की देवर डिजिटल कैमराज देयर बट ऑब्वियसली नॉट एज एक्सेसिबल इन पाकिस्तान and so some people were trying, you know, there was a lot of trial and error going on with red and airy elixirs and all of that then, but so we have a very close friend Rana Kamran who's been the DOP on all of my films. He was planning to bring in new technology and then we kind of created a support group with each other and brought in airy elixir, the first one in Pakistan to shoot a film. Hamesha koshish ye hoti hai ki aapki film ke through aap kuch थोड़ा तो कमेंट करें। आई थिंक एज अ रिस्पॉन्सिबल सिविलियन हम सबका राइट है वट एवर मीडियम वट एवर प्रोफेशन दैट वी आर इन वी ट्राई टू ब्रिंग इन अ लिटिल बिट ऑफ करेक्शन और गिव इन अ लिटिल बिट ऑफ शेयर राइट। दे हैव टू बी एंटरटेनिंग, वी डोंट लाइक टू मेक टोटली भाषण ओरिएंटेड फिल्म्स बट एट द सेम टाइम वी वॉन्ट पीपल टू टेक समथिंग बैक होम विद दैम। वाई नॉट वेन यू हैव सच अ पावरफुल मीडियम यूज़ इट इन अ बेटर वे, यू नो इन अ पॉजिटिव वे। And it's not like, you know, you always have to be either, you know, sourced by somebody or funded by somebody. You should be funded by your soul. Make a film that is Pakistani and says something that can correct or at least bring some kind of change in people's mentality. 14-15 years of working together and being friends and, you know, obviously our families knows each other, we know each other like, you know, to the core. So when it's production, when we are shooting and we are on set, Nabeel is the captain. I was into cricket ke promos banata tha main, वैसे ही मुझे शौक था अपने लिए, ऐसा नहीं था कि किसी को बना के देता था घर पे वैसे ही कंप्यूटर में देखे, क्योंकि बिकॉज मैं जब देखता था ना स्टार स्पोर्ट्स वगैरह ESPN तो उसमें मैं देखता था कि यार ये क्रिकेट के प्रोमोज आते थे उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स के शॉट्स नहीं होते थे, उसमें बाकी सबके होते पाकिस्तान का एक आ चुका होता था, यार ये क्यों होता है ऐसा। तो मैंने क्या किया वो CDs ले गए मैचेस की या रिकॉर्ड करके वो सब चीज़ें जोड़ के खुद ही से अपने लिए बनाता था कि यार देखो ये अच्छा, मतलब अपने दिल को खुश कर रहा हूँ। आई स्टार्टेड वर्किंग वेरी अर्ली, यू नो आई वॉज 17 व्हेन आई वॉज एक्चुअली प्रैक्टिकली वर्किंग ऑन ग्राउंड। 18 आई जॉइंड अ प्रोडक्शन हाउस वेयर आई वॉज असिस्टिंग। आई हैव सो फॉर विद मी एंड नबील बोथ वी हैव वर्कड एज असिस्टेंट डायरेक्टर्स, प्रोडक्शन असिस्टेंट्स, sometimes we have even covered for a lack of spot boy on our sets, you know, we have from ironing the clothes to basically cleaning the floor, I've done all. So we have a hands on experience, but obviously we didn't go to any formal school for filmmaking. Yeah, but I also have seen a lot of our own friends who've gone to formal schools for that matter to the level of NYFA and places and have not made anything so far, not because they don't know the technique, I think it's also because they don't know the ground realities. So you know the way you're taught in a school abroad, things here are totally different. You have to, if you're studying, they obviously one has to study it, that's a very good thing, but there has to be a balance of both, you know, you have to really blend it well. You have to come back and work as a laborer like you do abroad. You don't mind working in a studio picking up lights and weights, you're fine. When it comes to Pakistan, suddenly we just want to be like, you know, a high collared proper kind of a director's chair wala director sitting, you know, asking for all the protocol from the first project only. So yeah, I think that's where we go wrong. We need to have a balance of both. I think film mein dekh dekh ke bahut seekh liya bajaye padhne se, film mein dekh kar samajh mein aa gaya ya आसान मैं बोलूँगा यार हम बहुत फिल्मी लोग हैं,
तो हम अपनी असल जिंदगी को भी बहुत फिल्म की तरह देखते हैं. स्क्रिप्ट इज द बैकबोन ऑफ एनी फिल्म और प्ले. विद आर्ट स्क्रिप्ट राइटर्स अनफॉर्चुनेटली आर ईगोज आर वेरी हाई. वी बिलीव व्हाट वी हैव रिटन इज अ फाइनल ड्राफ्ट. राइटिंग इज ऑलवेज री ड्राफ्टिंग. यू नो एवरी बिग राइटर इन द वर्ल्ड एडिट्स हिज स्टोरीज अ मिलियन टाइम्स बिफोर इट गेट्स टू अ फाइनल वर्जन. हियर इफ यू टेल समबडी फाइन द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग but you know there's these flaws and maybe we can correct them, they think no, you know, so they get kind of offended. Gota jo main aksar internet pe padhta hu, I think Mushtaq Ahmed Yusufi sahab ka hai ke kuch logon ko padhna chahiye lekin wo likh rahe hain. To hamare yahan jo hai wo kafi log aise hain jo likh rahe hain, writers nahi hain. Hum bhi majboori mein writer bane hain, honestly speaking. Hum log chahte nahi the ki hum likhe, jahan hame lagta tha ये तो हम जब पहली फिल्म लिख रहे थे तो हमने सोचा यार चलो स्क्रीन प्ले खुद लिखते हैं, फिर बाकी डायलॉग्स वगैरह किसी से लिखवा लेंगे. स्क्रीन प्ले पे वी वर श्योर कि यार स्क्रीन प्ले हम खुद बनाते हैं, बिकॉज कहानी खुद बनाई हुई थी. तो बाय द टाइम वी फिनिश द स्क्रीन प्ले हमें रियलाइज हुआ कि यार हम तो आधे से ज़्यादा डायलॉग्स भी लिख चुके हैं और पढ़ के दिखाए इतने बुरे नहीं लग रहे थे. दो चार दोस्तों को सुनाया, उनको बोला हाँ अच्छे. तो फिर हमने बोला यार हमारी भी पहली फिल्म है, कोई और राइटर लिखेगा उसकी भी पहली फिल्म होगी, तो अपने खुद ही लिखते हैं. वंस यू अकम्प्लिश व्हाट यू ड्रीम ऑफ एंड इट हैपेंस, इट्स वेरी हैबिचुअल देन. You know the, actually you kind of understand the dynamics and then you also understand where are all the weaknesses and you try and cover it for the next time and try and make a better product and it becomes the, I'd say the momentum of the journey that way. For us it was very important that Pakistan should have films of a certain quality and films which are basically the films that we can easily showcase not just in Pakistan but abroad with extreme pride but with at least a decent amount of pride saying okay fine this is a product that's coming out of Pakistan. I think film ka numbers to badh jayega mujhe lagta hai with time kyunki Pakistan mein har ek cheez ka fashion chalta hai. जैसे एक टाइम था सबको MBA करना था, सब MBA कर रहे थे. फिर एक टाइम आया मोबाइल कंपनीज खुल रही थी, वे तहाचा मोबाइल कंपनी खुल गया, सबने उधर जॉब्स कर ली. अब इसी तरह फिल्म का फैशन चल गया है, तो अभी बहुत सारे लोग फिल्म बनाएंगे. अच्छी बात है, फिल्म की तादाद बढ़ जाएगी, लेकिन वही वाली बात है कि तादाद बढ़ जाएगी क्वालिटी कम हो जाएगी. मिसाल के तौर पर साल में अगर 50 फिल्म बनेंगी तो उसमें 5 या 6 हिट होंगी. ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं तो किताब, मैंने स्कूल की किताबें बड़ी मुश्किल से पढ़ी हैं. फिज़ा तो फिर भी किताबें पढ़ती है काफ़ी, उसको मालूम है. तो मैं तो बहुत ही क्या कहते हैं अनपढ़ किस्म का राइटर हूँ. सर मेरा ऑनेस्टली बिलीव यही है कि फिल्म पढ़ी नहीं जाती. स्टूडेंट्स को ये सिखा देना कि आपने बस पढ़ लिया, अब आप जाके बाहर फिल्म बनाएंगे, ऐसा तो डॉक्टर को भी नहीं बोलते. डॉक्टर भी जब डॉक्टरी पढ़ता है 5 साल, उसके बाद बोलते हैं अब हाउस जॉब करो, जाके 2-3 साल जाके सीखो काम कैसे हो रहा है, फिर तुम डॉक्टर बनोगे. हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं भाई अब आप लोग फिल्म मेकर बन गए, आप बाहर जाएँ, ये जो लोग काम कर रहे हैं इनको बताएं कैसे होना काम. जो कॉलेजेस खुले हैं अनफॉर्चुनेटली, मतलब मैं किसी के साथ डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो रहा, बट दिस इज़ वॉट आई बिलीव, या तो उनके पास फैकल्टी ठीक हो, वो लोग पढ़ा रहे हो जो बेहतर काम कर रहे हैं, या जिन्होंने जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी हो. ठीक है, फॉर दैट मैटर, फॉर एग्जाम्पल लाइक हमने भी पढ़ा है नेपा में, नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स. हम लोग इसीलिए वहाँ पे पढ़ने गए थे क्योंकि जो लोग वहाँ पे पढ़ा रहे थे उनकी क्रेडिबिलिटी थी. जिया मोहद्दीन साहब हैं या राहत काजमी हैं, खालिद अहमद हैं, ये लोग वो लोग होते हैं जिन्होंने काम किया है, जिनके पास एक बॉडी ऑफ वर्क है, सब जानते हैं कि हाँ यार ये पढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ बेहतर पढ़ा रहे होंगे. अनफॉर्चुनेटली जो लोग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं वो लोग काम नहीं कर रहे, या वो टेक्निकल लोग नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा सिनेमेटोग्राफी पढ़ा रहा है तो वो तो सिनेमेटोग्राफर खुद ही नहीं है, वो सिर्फ किताब से पढ़ा रहा है. तो इससे बेहतर है, जो मेरा मशवरा है, जितने भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं इस काम में, आपको डिग्री पे आप फिल्म नहीं बना लोगे. मेरे पास डिग्री नहीं है, या दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं डायरेक्टर्स हैं या एक्टर्स हैं, उनके पास डिग्रियाँ नहीं हैं. ये एक स्किल बेस्ड काम है, या तो आपको आता है या नहीं आता.